जैसे एक बार जेठालाल नहीं चला गया था पाकिस्तान, सेम वही सिचुएशन भी हो सकती है भाई, क्योंकि ये रण वही है जिसमें जेठालाल खो गया था, कच्छ का रण जो बोलते हैं। हम लोग बाघासर पहुंच के रुके हैं, यहाँ से पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक ले ली साथ में, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है पीने के लिए, पानी मिलेगा नहीं रेन में, इसलिए पानी की बोतलें यहीं से ले ली हमने साथ में। सीधा ही निकल गए हम लोग, अभी आगे देखते हैं कहीं पे कोई मिलता है तो शायद इस तरफ से ही होगा। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप अगर कभी भी इस तरह इस रण की तरफ कभी भी आते हो, अगर आप बाड़मेर से हो कहीं आसपास से हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो रण है ना बाघासर का, इसमें आओ तो हमेशा थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादा अगर आप अंदर चले जाओगे तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा कि आप कहाँ से घुसे थे, कहाँ से निकलना है, खो जाओगे। लेकिन इसमें मसला ये है ना कि आगे जाकर आपको पाकिस्तान में भी घुसना, मतलब जा सकते हो, जैसे एक बार जेठालाल नहीं चला गया था पाकिस्तान, सेम वही सिचुएशन भी हो सकती है भाई, क्योंकि ये रण वही है जिसमें जेठालाल खो गया था, कच्छ का रण जो बोलते हैं, ये वही रण है, कच्छ में भी वही है और यहाँ बाघासर में भी वही रण है, बहुत बड़ा रण है ये, जिसकी यहाँ से स्टार्ट होता है गांधीधाम, कच्छ, भुज, वहाँ तक चला जाता है पूरा, आगे जाकर अरब सागर तक पूरा ये रण ही है यहाँ से, और उस तरफ से पाकिस्तान में चला जाता है ये रण। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रण के अंदर, और ये हमारे मीरू भाई, नवाब भाई, बक्सू भाई और पानी की बोतलें वहाँ से साथ में लेके आए थे ये लोग, क्योंकि मैंने ही बोला था यहाँ पे मिलेगी नहीं, यहाँ जहर नहीं मिलेगा, पानी कहाँ से लाएंगे, चाहिए भी नहीं भाई जहर, अभी तो जवानी आई है ताज़ी ताज़ी, अभी तो सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ पर हमारी ये बाइकें खड़ी कर दी हमने, पीछे हमारे सूरज देवता, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी लग रही है। मैं आपको एक बार रण का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ, यहाँ से ही स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ ये सड़क ख़त्म हो रही है, यहाँ से रण स्टार्ट हुआ है, ये पूरा रण का एरिया है। जब जहाँ जहाँ तक कैमरा गया, नज़रें, दूरबीन, जो भी अटैक्स लगा के देख लो, अब यहाँ से आगे रण ही है पूरा, इस तरफ है पाकिस्तान, और इस तरफ ये अभी कच्छ जो है वो आ जाएगा, अपना भुज जो है कच्छ भुज गांधीधाम, वो सारी चीज़ें इस तरफ, ये आगे जाके सुईगाम पे जाके रास्ता निकलेगा। ये कच्छ का रण, और हम अभी खड़े हैं बाघासर में, ये तीनों हिरनियाँ खड़ी है, लोग जो है यहाँ पर आकर बियर पीते हैं, क्या पीते हैं, बियर पीते हैं, और हम लोग यहाँ पर आकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। सबूत के लिए दिखा देता हूँ, कमेंट मत करने लग जाना कि नहीं भाई वो बियर ही है, वो देखो थम्स अप पड़ी है। ना रे हेड ग्राइंड है अभी, उसको तो बोलिए मकोल, बिना एबीएस ना हलानी है मोटरसाइकिल। हेलो, अब राइडर के ऊपर नवाब राइडर, और मीरा है अपनी बाइक के ऊपर, मैं हूँ खुद की बाइक के ऊपर। फिसलन बहुत ज़्यादा है इसमें, संभाल के चलानी पड़ेगी, अगर ज़रा सी स्लिप हो गई ना तो हाथ से निकल जाएगी, अगर बाइक एक बार हाथ से निकल गई फिर वापस हाथ में नहीं आएगी, यहाँ पे इतना वो है, मेरी बाइक तो खूब लहरा रही है। ओ तेरी, निकाल ली, इतना बड़ा जंप खाया बाइक ने, ये मीरू भाई के स्टंट।
मीरू भाई स्टंट कर रहे हैं हमारे, मजे ले रहे भाई के फुल ऑन मजे। साइलेंसर गया नहीं, साइलेंसर ऊपर का कवर टूटा है, कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता राइडर की बाइक में। यार तू मजा कर, हमारा नुकसान हो रहा है। हेलो, क्या मीरू भाई मजे ले रहे बाइक के? उसका जो एग्जस्ट है पूरा, वो इतनी आवाज कर रहा है जबरदस्त, लगभग 4 से 5 बार गिरा चुका है भाई बाइक को। गजब मौज ले रहा है भाई, बाइक भी थक गई और बंदा भी थक गया। हाय गाइस, हम परेशान हो चुके हैं इसके बाइक में, 10 बार गिर चुकी है। लग रहा फिर से स्लिप हो गई है। नहीं, कंट्रोल अच्छा लड़के का। इतनी गोल गोल घुमाई कि बंदे को चक्कर आ गया। हम लोगों ने बहुत ज्यादा मस्ती करी यहाँ पर बाघा सर के रण में। यहाँ पे ये जो बाइकों के जितने भी ये टायरों के निशान पड़े हैं, ये हमारे जो प्रोफेशनल राइडर हैं मीर खान, वो 3-4 बार गिरे भी सही। एक बार तो उन्होंने मेरी भी बाइक गिराई, लेकिन ये मिट्टी है, इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ बाइक का। अब यहाँ पर थक चुके हैं लगभग 1 से 1.5 या 2 घंटे में यहाँ लग गए मस्ती करते करते, और अब जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया यहाँ पर। ये हमारे राइडिंग किंग बक्सू भाई, इसका फोटो में डालो मैं। नो 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 नो। तो अभी हमने यहाँ पर चाय पी ली और अभी यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे घर पे, और आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि अब थक चुका हूँ, आगे शूट नहीं कर पाऊंगा।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।